हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर टू, जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के ऑलरेडी मैं 15 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। मैंने जो भी लेक्चर अपलोड किए हैं, चाहे अकाउंट्स के और मैथमेटिक्स के, दोनों का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको करना क्या, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, ठीक है। तो देखो, हमने ऑलरेडी 15 लेक्चर तो स्टडी कर लिए। आज जो है लेक्चर नंबर 16, इसमें हम क्या पढ़ने वाले। तो हमने जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15 में ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया था, यानी हम बिल्कुल यूनिट वाइज चल रहे हैं। यूनिट 1.1, 1.2 और 1.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 15 में हमने अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हमें ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करने के बाद, यानी यूनिट 1.3 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जो MCQ दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करने हैं इस लेक्चर नंबर 16 में। जो हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा, लेक्चर नंबर 17 से हम अपना स्टार्ट कर देंगे यूनिट 1.4, जो कि है डेप्रिसिएशन। क्लियर है ना, समझ में आ गया अब क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। हम यूनिट 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हमें कुछ नहीं करना है, यूनिट 1.3 के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं और जो MCQ मैच द फॉलोइंग्स ये सारे उनको सॉल्व करने हैं लेक्चर 16 में। 17 में हम अपना डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूनिट 1.4। तो देखो, ये हमारा है पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 58। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कह रहा है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैं ट्रायल बैलेंस आपको बनाना सिखा चुका हूँ, सारे मेथड से सिखा चुका हूँ, तो आप इजीली ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस इसे सारे दिए हुए, कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है इसको शो कर दो और कहानी आपकी खत्म। सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा, सेल क्रेडिट साइड, एडजस्टेड परचेज किस साइड जाएगा ये सर, तो सर परचेज है डेबिट साइड जाएगा। ये एडजस्टेड परचेज है क्या मतलब, ये समझाऊंगा, ठीक है, चलो समझा देता हूँ। देखो, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक बात याद रखना हमेशा आप लोग, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक तो शो करते हैं डेबिट साइड, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। किसी को पता है, कोई बता सकता है कि क्यों हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते, ठीक है। कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, उसका रीजन है। देखो, रीजन ये है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये परचेज में से ही बचा होगा, सिंपल सी बात है। क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि देखो, ओपनिंग स्टॉक ये तो आपने ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया, तो इसकी बात ही खत्म हो गई। सपोज आपने परचेज किया, ठीक है, परचेज हुआ 10 लाख रुपए का, उसमें से 8 लाख रुपए का सेल हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपके आएगा 2 लाख रुपए। अब जरा मुझे बताओ, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये जो हमने परचेज किया था 10 लाख रुपए, एज एक्सपेंस हम यहां पे शो कर देते हैं, यहां पे परचेज 10 लाख रुपए तो हम लिख देते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं। तो इस परचेज में, इस 10 लाख रुपए का जो परचेज है, इसके अंदर ये ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड तो है 2 लाख रुपए, क्योंकि हमने 8 लाख रुपए 10 लाख का परचेज किया था, 2 अभी बचा हुआ है, फिर भी हमने परचेज यानी एज एक्सपेंस हमने 10 लाख ही शो किया, यानी कि परचेज के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते। अगर आप दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक तो पता है कैसा हो जाएगा, ये देखो, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, आपने यहाँ पे लिख दिया परचेज 10 लाख रुपए और फिर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, यानी टोटल डेबिट साइड 12 लाख रुपए चला जाएगा, ठीक है। तो जो परचेज होता है उसके अंदर ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं कर सकते। हालांकि एसेट है, डेबिट साइड जाना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं शो करते, ताकि वो क्या हो जाए, एरर ना हो जाए। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया होता है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, जब हमारे क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया होता है तब हम ट्रायल बैलेंस में इसको शो करते हैं। जब हमारे क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया होता है तब हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। क्यों सर, क्या अब डबल नहीं होगा, नहीं। देखो, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है, एक एडजस्टेड परचेज कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सबको पता है, आपने क्लास के अंदर बहुत बार पढ़ रखा होगा इस फॉर्मूले को।
तो एडजस्टेड परचेज में क्या क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाता है। यानी अगर देखा जाए, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें सपोज आपके पास ओपनिंग स्टॉक छोड़ो अभी रहने दो, सपोज आपके पास आपने 10 लाख का परचेज किया था, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 लाख बचा हुआ था, तो आपका एडजस्टेड परचेज कितना आया, 8 लाख आया। मैंने ओपनिंग स्टॉक फिलहाल 0 मान रखा है, तो एडजस्टेड परचेज कितना आया, 8 लाख ही आया। तो आप यहाँ पे एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस में कितना लिखोगे, 8 लाख लिखोगे, और फिर आप क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख लिखोगे, तो कितना टोटल आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, और पहले वाले मेथड से भी 10 लाख ही आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि एडजस्टेड परचेज दिया होता है तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे तो डबल नहीं बनेगा। लेकिन अगर नॉर्मल परचेज दिया तो उसमें ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, इसलिए उसको हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया एडजस्टेड परचेज डेबिट साइड जाएगा, उसके बाद करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। अब करंट अकाउंट है, ठीक है, तो सर करंट अकाउंट है तो ये अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारे लिए एसेट है और क्रेडिट बैलेंस है तो क्या हमारे लिए लाइबिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट को शो करता है। तो करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस किस साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड ही जाएगा, लाइबिलिटी है। पेटी कैश एसेट है डेबिट साइड। सेल्स लेजर बैलेंस, अब ये सेल्स लेजर बैलेंस क्या है, ये क्रेडिट साइड जाएगा या डेबिट साइड जाएगा? तो बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये क्रेडिट साइड जाएगा, लेकिन ये सेल्स लेजर बैलेंस है, ये जाएगा डेबिट साइड। बोलोगे सर सेल अकाउंट तो क्रेडिट साइड जाता ना, हाँ सेल अकाउंट क्रेडिट साइड जाता, मैं क्या करोगे सेल अकाउंट डेबिट साइड जाता है। ये सेल्स लेजर बैलेंस है, इसको ये डेटर का दूसरा नाम है समझ सकते हो, या ट्रेड रिसीवेबल इसको बोल सकते हैं। यानी जो हमने सेल किया है, जो हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया है उसको हम सेल्स लेजर बैलेंस ही बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल इसको बोल सकते हो, ये हमारा एज अ ट्रेड रिसीवेबल है। सेल्स लेजर बैलेंस क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, एसेट, एक ही साइड जाता है डेबिट साइड। परचेज लेजर बैलेंस, ये हमारा क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल को शो करता है, ये जाएगा क्रेडिट साइड। सैलरी डेबिट, कैरीज इनवर्ड डेबिट एक्सपेंस है, उसके बाद क्या है, कैरीज आउटवर्ड ये भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, बिल्डिंग डेबिट साइड जाएगा एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है डेबिट साइड जाएगा, डेप्रिसिएशन किस साइड जाएगा डेबिट साइड, कैश एट बैंक डेबिट साइड, लोन क्रेडिट दिया हुआ है यानी लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, इनकम हमारे पास, इनकम किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। बैड डेप्ट रिकवर, अगर बैड डेप्ट रिकवर हो जाए वो भी हमारे लिए इनकम, ये भी क्रेडिट साइड जाएगा। स्टॉक 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक है, एंट्री होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी सर, क्योंकि ऊपर एडजस्टेड परचेज दिया होता है, किस साइड जाएगा डेबिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है क्रेडिट साइड। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट है डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, हमने डाउटफुल डेप्ट के लिए एक प्रोविजन बनाया, ये किस साइड जाएगा बताओ जरा, कोई बता सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रेडिट साइड। कोई भी प्रोविजन किस साइड जाता है सर, क्रेडिट साइड जाता है, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई नई चीज नहीं थी, थोड़ी सी एक थी एडजस्टेड परचेज वाला, वो मैंने समझा दिया, और ये एडजस्टेड परचेज आप लोगों को पहले से आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इलस्ट्रेशन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं, और इसी लेक्चर में हमें इस टॉप 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देयरफॉर एडजस्टेड परचेज, पता ही है भाई, मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आती है सर एमसीक्यू कर लेते हैं, तो एमसीक्यू में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है हमारा, अच्छा एमसीक्यू कहाँ है, तो ये पेज नंबर देख लो अगर आपको ढूंढना हो, तो पेज नंबर 59 पे जो एमसीक्यू दिया हुआ है, पेज नंबर 59 ये एमसीक्यू है किसका, ट्रायल बैलेंस के बाद का, यानी यूनिट 1.3 का, ये जो है यूनिट 1.3 का सारे के सारे लेक्चर करने, सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए एमसीक्यू दिए हैं वहां पे, ये 59 पेज नंबर पे लिखा है, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट अदर देन गुड्स, नहीं, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी जो हमने क्रेडिट में परचेज किए हैं गुड्स को, उनको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक का यूज किया जाता है। जब मैंने आप लोगों को सब्सिडरी बुक्स पढ़ाया था तो वहां पे समझाया था कि परचेज बुक को कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो परचेज अकाउंट में कौन सा जाता है, सारे परचेज जाते हैं, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, लेकिन परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें पता हो। दूसरी, गुड्स बाउट फ्रॉम गुड्स बाउट फ्रॉम मिस्टर पी द पेमेंट फॉर विच इज ड्यू आफ्टर अ मंथ इज एंटर्ड इनटू, कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया किससे, मिस्टर पी से,
और पेमेंट एक महीने का बाद दिया जाएगा, कहाँ जाएगा? कैश बुक में नहीं भाई, क्योंकि हमने पैसा दिया नहीं। उसके बाद क्या, परचेज बुक, परचेज बुक में जाएगा, सेल बुक नहीं है, परचेज रिटर्न बुक नहीं है, ठीक है, परचेज बुक में जाएगा। द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल बुक इज इनवाइस, इनवाइस सेंट आउट, डेबिट नोट रिसीव और क्रेडिट नोट सेंट आउट। देखो क्या कह रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल बुक, सेल बुक में किसके अकॉर्डिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाती है? इनवाइस रिसीव, भाई हमने सेल किया था, इनवाइस तो हमें मिलेगा नहीं, सीधी बात है, इनवाइस सेंड यही होना चाहिए, क्योंकि हमने सेल किया तो इनवाइस हम देंगे ना, मिलेगा थोड़ी, परचेज में आएगा ना इनवाइस रिसीव देखा जाए तो। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में इशू होता है, आपको पता होगा। तो बचता क्या है, यही पॉइंट नंबर बी, अ डेबिट नोट इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न बाई अस टू रिकॉर्डेड एंड। अब देखो भाई, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो चीजें होती है, डेबिट नोट किसको दिया जाता है और क्रेडिट नोट किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, डेबिट नोट यूज इशू टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को इशू किया है फॉर गुड्स रिटर्न, फॉर गुड्स रिटर्न बाई अस टू यूज इन रिकॉर्डेड। अब क्रेडिटर को हमने डेबिट नोट इशू किया है और कह रहा है कि किस रिटर्न में, तो क्रेडिटर हमारा कब बनेगा, जब हम किसी से परचेज करेंगे, सिंपल सी बात है, जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब तक आपका क्रेडिटर नहीं बनेगा। और डेबिट नोट कब इशू करते हैं, परचेज रिटर्न के केस में, परचेज रिटर्न के केस में, वो भी किस केस में, जब हमने क्रेडिट में परचेज किया, परचेज रिटर्न कर दिया, डेबिट नोट इन्होंने इशू कर दिया। अब पूछा कि बिल्स रिसीवेबल बुक ये कहां से आ गया भाई, परचेज बुक नहीं, परचेज रिटर्न बुक, तो ये भी नहीं आएगा। जनरल प्रॉपर नहीं, परचेज रिटर्न बुक, यहां पे पॉइंट नंबर डी। सेल रिटर्न बुक यूज टू रिकॉर्ड, सेल रिटर्न बुक को भाई कब यूज करते हैं, जब हमने जो सेल किया हो और उसका रिटर्न आ जाए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल रिटर्न बुक यूज करते हैं। अब सेल हमने क्या करते हैं, गुड्स, फिक्स एसेट को सेल तो बोलते नहीं हम लोग, तो रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी मेरे हिसाब से तो इसका होना चाहिए पॉइंट नंबर सी। क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्ड इन, क्लोजिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, कैश बुक में, नहीं सर, कैश बुक में तो कैश की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, लेजर में, लेजर में नहीं, जनरल प्रॉपर, बैलेंस शीट, जनरल प्रॉपर, ठीक है, जनरल प्रॉपर में क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है सबकी, और जो एंट्री सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती उसको जनरल प्रॉपर में डाल दिया जाता है। जब मैंने सब्सिडरी बुक्स पढ़ाया था तो समझाया था, कैश बुक क्या है, सब्सिडरी बुक है, सीधी सी बात है भाई, सब्सिडरी बुक्स ही है, सब्सिडरी एंड जनरल, अच्छा ये भी हो सकता है ये वाला, कैश बुक क्या है, सब्सिडरी, जनरल एंड लेजर दोनों है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब कैश बुक मैंने आपको बनाना सिखाया था तो मैंने आपको बोला था, तो जो कंपनी कैश बुक मेंटेन करती है वो कैश का लेजर नहीं बनाती है या नहीं बनाएगी तो चलेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो कैश बुक होता है ना और जो कैश अकाउंट होता है, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सेम टू सेम। जो कैश बुक है ये सब्सिडरी बुक का भी पर्पज को सर्व करती है और ये लेजर के भी पर्पज को सर्व करती है, सिर्फ कैश बुक, बाकी परचेज बुक नहीं, परचेज बुक सब परचेज अकाउंट का काम नहीं कर सकता, लेकिन कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट का भी काम कर सकता है और सब्सिडरी बुक का भी काम कर सकता है, क्योंकि दोनों एकदम सेम होते, बस ऊपर बुक लिखा होता है या अकाउंट लिखा होता है उस पर डिफरेंस होता है बस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ, कैश बुक किस फॉर्म में होता है, ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, जनरल के फॉर्म में, लेजर के फॉर्म में, या ऑल द अबव, सीधी सी बात है सर, कैश बुक लेजर के जैसा होता है। देखो ये कैश बुक ऐसी तो सिंगल कॉलम या डबल कॉलम, तो सेम टू सेम लेजर के फॉर्म में होता है कैश बुक। कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड ऑल, ये वाला होगा, कैश बुक में रिसिप्ट भी रिकॉर्ड होता है और पेमेंट भी, यानी पॉइंट नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, कैश बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सीधी सी बात है, क्रेडिट परचेज नहीं रिकॉर्ड करता, क्रेडिट सेल ये भी नहीं रिकॉर्ड करता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी नहीं, तो ऑल द अबव, क्योंकि इसमें से कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं करता कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में शो, देखो सिंगल कॉलम कैश बुक, इस ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, सिंगल कॉलम कैश बुक आपको कभी हमेशा हमेशा क्या दिखाएगा, डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस आपको नहीं दिखा सकता सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो ये हमारे इसमें आपके बुक के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली अ डेबिट बैलेंस। इसका रीजन क्या, पहले ये समझो, देखो जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है ना, एक होता है डबल कॉलम, एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक,
तो सिंगल कॉलम जो कैश बुक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैश, बैंक का भी नहीं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, यानी कैश अकाउंट वाला काम करता पूरा प्योर। अब जरा मुझे बताओ, ये मेरा मान लो सपोज कैश अकाउंट है या कैश बुक कुछ भी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैश अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है सर। यहाँ पे डेबिट साइड मेरे पास सपोज 2 लाख रुपए है, तो ऐसा हो सकता है कि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 3 लाख रुपए आ जाए और टू बैलेंस सीडी यहाँ पे 1 लाख आ जाए? कभी भी नहीं हो सकता, ये बैंक अकाउंट में पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जितना बैंक में डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड जितना पैसा है उससे ज्यादा पेमेंट हो जाता है तो ओवरड्राफ्ट आ जाता है, तो बैंक में फैसिलिटी। अब कैश का मतलब क्या, जो आपके हैंड में कैश है यानी काउंटर में जो कैश पड़ा हुआ है बिजनेस में, जितना आपके पास कैश है उससे ज्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते, तो कैश बुक में कभी भी क्रेडिट बैलेंस आ ही नहीं सकता। हाँ, बैंक अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ तो इसने थोड़ी बोला है कैश अकाउंट, यहाँ तो कैश बुक बोला है, कैश बुक में तो बैंक वाला भी होता है, तो कैश बुक में बैंक वाला होता है, यहाँ पे सिर्फ बोला सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम बोला ना, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब ये एक कॉलम सिर्फ कैश कैश की बात कर रहा है, तो कैश बुक में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर ए, ऑनली अ डेबिट बैलेंस, सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड, कह रहा है कि कैश बुक है जिसमें क्या है डिस्काउंट कॉलम भी और बैंक कॉलम भी, 3 कॉलम बन गया है, कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का, तो क्या बोलेंगे 3 कॉलम कैश बुक। टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्डेड, इसको थोड़ा रफ करते हैं और फिर रीड करते हैं, टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक यानी डेबिट साइड जो कैश बुक है डेबिट साइड है उसका डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, रिकॉर्डिंग इन कैश डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर व्हेन दे पेयर देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू। अब कह रहा है कि जो टोटल कॉलम है ना कैश बुक का डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम, यानी हमने डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड का मतलब क्या, हमने अलाउड किया है, सीधी सी बात है, और अगर डिस्काउंट कॉलम क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड होता है तो डेबिट, तो ये तो बात समझ में आ गई कि डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा है। आगे देखते क्या लिखा है, क्रेडिट ऑफ द अकाउंट डिस्काउंट अलाउड नहीं, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये वाली एंट्री होगी पॉइंट नंबर डी। 13 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो सर ऊपर भी था डिस्काउंट अकाउंट ही था, नहीं, ऊपर देखो कैश बुक यानी कैश बुक से अगर हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यानी पोस्टिंग इनटू लेजर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स, तो जो डिस्काउंट का कॉलम है डेबिट साइड वो किस अकाउंट में जाएगा और किस साइड जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो जब कैश बुक से आप डिस्काउंट वाले कॉलम का अमाउंट उठाओगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे, और कैश बुक से, कैश बुक के अगर क्रेडिट साइड से आप डिस्काउंट वाले कॉलम को उठाओगे तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सीधी सी बात है, इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, नहीं रिकॉर्ड नहीं होता, इज रिकॉर्डेड इन जनरल, रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नहीं हो, रिकॉर्ड तो होता ही नहीं है, रिकॉर्डेड की बात ही खत्म करो, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सही है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हम नहीं करते, मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, पीरियडिकली ऑफ टोटल सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू, कह रहा है कि टोटल सेल्स रिटर्न बुक है, टोटल सेल्स रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक यानी सब्सिडी बुक की बात कर रहा है, सेल रिटर्न बुक, और कह रहा है पोस्टेड टू यानी किस अकाउंट में जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़ा था मैंने, पढ़ाया था पोस्टिंग इनटू लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट करना है, तो वही पूछ रहा है कि सर सेल रिटर्न बुक है यानी ये सब्सिडरी बुक से और लेजर अकाउंट में कौन से अकाउंट में जाएगा और किस साइड जाएगा, तो सिंपल सी बात है सेल्स रिटर्न किस साइड जाता है, तो सर डेबिट साइड जाता है, किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है, तो एक बात तो समझ में आएगी सर डेबिट साइड जाएगा, अब दूसरी बात की अकाउंट कौन सा होगा, तो सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगा और सेल है तो सेल अकाउंट में जाएगा, तो ये किस साइड जाएगा, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, बाकी ये क्वेश्चंस इजी इजी दिए हुए हैं, आप कर सकते हो, रीड कर देता फटाफट,
लिखा है कि डेबिट नोट सेंड बाय बायर, सीधे सी बात है, और इनवॉइस इज सेंड बाय, देखो डेबिट नोट किसके द्वारा सेंड किया जाता है, देखो ध्यान रखना हमेशा, जो परचेजर होता है और अगर गुड्स रिटर्न करेगा, इसका रीजन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, परचेजर होता है यानी परचेजर यानी बायर, ठीक है ना, बायर परचेजर ही होता है, बायर या परचेजर जो गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट, और जो सेलर होगा अगर वो गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। इन सब का क्या मतलब होता है, रीजन क्या होता है पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बस सुन लो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फिर से आप थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। तो पहला भी सही है, इनवॉइस कौन देता है भाई, सेलर जो बेचेगा इनवॉइस देगा, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गया और उसके वजह से गुड्स का लॉस हो गया, किस कहाँ जाएगा, जनरल प्रोपर में जाएगा, रिकॉर्ड इन जनरल प्रोपर, सर क्यों जनरल प्रोपर में क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी कोई सब्सिडी बुक थोड़ी बनती है, लॉस बाय थेफ्ट बुक कोई बनता है क्या, सेल परचेज बुक बनता है, बाकी जो बचता है सब जनरल प्रोपर में जाता है। क्रेडिट नोट देखो आ गया ना, क्रेडिट नोट कौन देता है, सेलर देता है, सेलर कौन देता है, क्रेडिट नोट, और परचेजर बायर कौन देता है, क्या देता है, डेबिट नोट, कब, जब गुड्स रिटर्न की जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, किसमें, जनरल प्रोपर में, ऑपरेटिंग एंट्री आर जनरली पास थ्रू दी जनरल प्रोपर, क्योंकि सॉरी ऑपरेटिंग नहीं ओपनिंग एंट्री किसके थ्रू पास की जाती है, जनरल प्रोपर के थ्रू पास की जाती है, क्यों भाई, क्योंकि ओपनिंग एंट्री का कोई स्पेसिफिक अकाउंट थोड़ी है, परचेज थोड़ी हुआ है, सेल थोड़ी हुआ है, बिल्स वाला बुक थोड़ी है, परचेज रिटर्न बुक थोड़ी है, जिनका सब्सिडरी बुक बनता है उसका उसमें एंट्री होती है, जिनकी सब्सिडरी बुक्स नहीं बनती वो सारे जनरल प्रोपर में जाते हैं, सब्सिडरी बुक्स वाले लेक्चर देख लो एक बार। अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ट्रांसफर टू द लेजर, अब कह रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन है और उसको कैश बुक में हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, तो अब वो लेजर में जाएगा तो किस साइड जाएगा, सिंपल सी बात है वो क्रेडिट साइड ही जाएगा भाई, ये कैसे सर, हमें तो पता था कि डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ही जाएगा, देखो समझो, सपोज ये कैश बुक है, अब पहली बात जो कैश बुक और कैश अकाउंट सेम टू सेम दिखता है और काम भी एक ही करता है, तो मैं दोनों में से कुछ भी लिख दूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं दोनों में से कुछ भी। अब ये कैश बुक में हमने राम से कुछ पैसे रिसीव किए थे, सपोज हमने राम से 10,000 रुपए रिसीव किए थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो वैसे तो जनरल नहीं बनती सब्सिडरी में, लेकिन ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो हमने 10,000 रुपए कैश रिसीव किया राम से, तो कैश बुक में, मैं कैश अकाउंट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैश बुक में किस साइड एंट्री होगी, तो बोलोगे सर कैश बढ़ेगा तो कैश बुक में डेबिट साइड, और घटेगा तो कैश बुक में क्रेडिट साइड, कैश बुक अपने पढ़ रखी है, तो आप कैश बुक में क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, टू राम अकाउंट, और कोई आपके ऑप्शन है, 10,000। सपोज हमने किसी और से एक्स वाई जेड कंपनी से हमने पैसा रिसीव किया कैश, तो क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड कंपनी, यानी यहां पे क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड कंपनी अकाउंट डेबिट, ऐसे करोगे ना। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि कैश बुक में जो डेबिट साइड एंट्रियां हुई हैं वो लेजर में किस साइड जाएंगी, तो भाई साहब अब मैं कैश बुक में तो डेबिट साइड हुआ है, लेकिन अगर मैं राम अकाउंट बनाता हूं तो किस साइड जाएगा, तो सर राम अकाउंट आप बनाओगे तो ये क्रेडिट साइड ही जाएगा ना, क्या लिखोगे, बाई कैश अकाउंट 10,000। अगर मैं एक्स वाई जेड कंपनी अकाउंट बनाता हूं तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ये देखो ना राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं, एक्स वाई जेड अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं है, तो उस अकाउंट में तो क्रेडिट साइड जाएगा ना, तो यही पूछा है, ठीक है, कि अगर कैश बुक में डेबिट साइड है तो वो लेजर में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा और किस साइड जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7 था ना, क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है, सारे ही सही है वैसे तो, एक आधो क्वेश्चन कहीं कहीं गलत दिए, बाकी ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ठीक है। चेक रिटर्न एंड डिसऑनर, चेक रिटर्न हो गया डिसऑनर हो गया, उससे क्या होगा, उससे कैश डिक्रीज होगा, तो कैश होगा किस साइड एंट्री होगा, क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम में कैश होगा किस साइड एंट्री होगा, क्रेडिट साइड, पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन किस साइड भाई, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड पेमेंट, डेबिट साइड पेमेंट रिसीव, बैलेंस इन पेटी कैश बुक क्या है, मतलब एसेट है पेटी कैश बुक, एक तरह से तो कैश ही है, छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन है तो कैश बुक, और कैश बुक हमारे लिए क्या है, एसेट है, द बैलेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट, एक बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम के जैसे कैश बुक में दो कॉलम होता है, एक बैंक का एक कैश का, तो कह रहा है कि जो बैंक वाला कॉलम है उसका डेबिट साइड में जो बैलेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, कैश एट बैंक,
अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता तो ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करता, भाई कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारा एसेट इंडिकेट करता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करता है, सबको पता है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डैश बैलेंस, हाँ हो सकता है, देखो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन कैश यहाँ अगर लगता ना बैंक कॉलम नहीं लिखता, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक लिखता तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता जो मैंने पीछे पढ़ाया था अभी, लेकिन बैंक कॉलम में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा था, पीरियोडिकली टोटल ऑफ सेल बुक इज पोस्टेड टू, जो सेल बुक का जो टोटलिंग होता है ना वो किस साइड डेबिट जाएगा, किस साइड पोस्टेड किया जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये गलत दिया हुआ है, क्रेडिट साइड जाएगा। सिंपल सी बात है, सेल बुक अगर हम बनाएंगे और सेल बुक का जो पीरियोडिकली टोटल आएगा, मतलब टोटल हमने साल में मान लो कि हमने मंथली बनाया था 5000 का टोटल सेल है, तो जब हम उसको सेल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड ही तो जाएगा, बाय सन्ड्री सेल एज पर सेल बुक, ऐसे लिखते हैं ना 5000, या क्रेडिट साइड जाएगा सेल अकाउंट में, कभी भी डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड जाएगा, ये थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एस इनिशियली जनरलाइज इन जनरल प्रॉपर या जनरल जनरल, सिंपल सी बात है कि अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे फिक्स एसेट पे और अगर हमारे पास सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर किया तो जनरल प्रॉपर में एंट्री की जाएगी उसकी या जनरल जनरल में की जाएगी। इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश दे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिंपल सी बात है भाई राम ने सेल किया है गुड्स कैश में तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग तो होगा ही होगा क्योंकि कैश सेल है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, बताओ कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 61, चलो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं एक बार। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फॉल्स भाई ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, फॉल्स सही लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, द पीरियडिकली ऑफ टोटल सेल डे बुक इज पोस्टेड इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये भी सेल्स डे बुक को सेल्स अकाउंट में और सेल रिटर्न बुक को सेल रिटर्न अकाउंट में, ठीक है तो ये भी सही है, फॉल्स होगा। उसके बाद ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज जनरल वुड इफेक्ट द परचेज अकाउंट, सीधी सी बात है अगर आपने परचेज की एंट्री ओवरकास्ट कर दी तो परचेज अकाउंट को इफेक्ट करेगा करेगा, ये भी ट्रू है, मतलब सही है, तीनों क्वेश्चन सही है। गुड्स वर्थ 5000 सोल्ड टू वर्षा 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% सेल्स टैक्स वाज चार्ज बाय एक्स्ट्रा, दिस ट्रांजेक्शन सेल अकाउंट विल बी क्रिएटेड 4500, एकदम करेक्ट है, सही है, ट्रू है। क्यों भाई, देखो हमने जो कॉस्टिंग थी उसकी कितने की थी गुड्स की, 5000 की थी, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया तो कितना हो गया 500, तो हमने प्राइस कितनी रखी उसकी, इनवाइसिंग कितने की 4500 रुपए का। अब सर कह रहा है कि 5% का हमने सेल्स टैक्स भी लिया, अब सेल्स टैक्स तो पहले वैट को बोलते थे लेकिन अभी के केस में जीएसटी समझ लो या वैट समझ, जो समझना समझ लो, 5% हमने कितना लिया होगा, तो अगर 4500 का हम 5% निकालते हैं तो कितना आएगा 225, तो टोटल सेल तो हमने सर 4500 प्लस ये किया होगा ना 4725, तो एंट्री इतने से कैसी होगी, देखो अब इसकी तुम एंट्री करोगे और तुम्हें पता है कि जो टैक्स यानी जीएसटी का जो पार्ट है या सेल्स टैक्स का पार्ट है इसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता है, आपका सेल इतना ही माना जाएगा, एंट्री पता है क्या बनेगी, देखो एंट्री ये बनेगी, आपने पढ़ रखा होगा सेल अकाउंट डेबिट, सेल में 4500 हो जाएगा, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट या जीएसटी अकाउंट डेबिट, फिलहाल तो सेल्स टैक्स पहले था, अभी जीएसटी आपको लिखना पड़ेगा इनपुट या आउटपुट, ठीक है 225, कैश में बेचा है किसमें बेचा है, कौन सा क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड टू वर्षा अकाउंट 4725, यानी वर्षा से 4725 लेंगे, ये जो था टैक्स का पैसा और ये सेल का पैसा, यानी एक्चुअल सेल तो इतने का हुआ है ना, तो सेल अकाउंट में कितना जाएगा, तो सर सेल अकाउंट में जाएगा 4500, टैक्स अकाउंट में जाएगा इतना और वर्षा अकाउंट में जाएगा इतना, क्वेश्चन क्या पूछा कि सेल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो सही है 4500 ट्रू है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल इनवॉइस एंड सेल बुक, कह रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल इनवॉइस एंड सेल बुक, ठीक है भाई क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स में क्या निकालते हैं हम लोग, सेल इनवॉइस या सेल बुक, ठीक है। ड्यू टू डैमेज ऑफ गुड्स रवि वाज सेंट क्रेडिट नोट 2000, कह रहा है कि एक डैमेज था गुड्स को उसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया गया, अब बताओ जरा क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, परचेज रिटर्न में या सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न में, कौन इशू करता है, सेलर इशू करता है, ठीक है ना। इट विल बी रिकॉग्नाइज इन सेल बुक, अब बताओ क्या कह रहा है कि इसको सेल बुक में लिखा जाएगा, नहीं सेल रिटर्न बुक में लिखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, सेलर तो करता है लेकिन सेल रिटर्न के केस में करता है ना, सेल बुक में कहां जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट या सेल रिटर्न बुक में जाएगा,
ठीक है, तो ये सेल बुक नहीं सेल रिटर्न बुक बोलता तो सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ विल अपीयर नो वेयर इन कैश बुक, ट्रू सही है भाई। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, वो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बुक में जाएगा या जनरल प्रॉपर में जाएगा, अगर बुक नहीं बनाया होगा उसको आपने तो, या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में जाएगा, कैश बुक में कहाँ से जाएगा, ठीक है ट्रू है। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, नहीं फॉल्स है, रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बुक टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस, सही बात है भाई, कैश बुक का काम ही क्या, कितना पैसा आया कितना पैसा गया कहां से आया कहां गया, लास्ट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, ट्रू है। पेड इंश्योरेंस बाय चेक 10,000 रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम इन डेबिट साइड, भाई आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की है तो पेमेंट है तो कैश कॉलम में अगर रिकॉर्डिंग करने भी, पहली बात तो कैश कॉलम में होगा नहीं बैंक कॉलम में होगा, और बैंक कॉलम में ही डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड होगा, आपने पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड जाएगा, अब पेमेंट बाय चेक किया है तो आपको कैश कॉलम में नहीं बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तो लास्ट का क्या है फॉल्स है, उन्होंने फॉल्स ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। अच्छा सर उसके बाद क्या देगा, मैच द फॉलोइंग्स, मैच द फॉलोइंग्स में क्या है, तो परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक क्या बोला, परचेज रिटर्न बुक किससे मैच करेंगे, तो सेल डे बुक परचेज बुक क्रेडिट नोट डेबिट नोट, परचेज रिटर्न में कौन सा होता है डेबिट नोट भी समझाया था मैंने, ये रहा पहला क्या परचेज रिटर्न बुक, इसको किससे मैच करेंगे हम डेबिट नोट, ये सही है। सेल रिटर्न बुक ये कहाँ जाएगा क्रेडिट नोट में, ठीक है सेल रिटर्न बुक क्रेडिट नोट में और ये जाएगा डेबिट नोट में। जनरल प्रॉपर इज ऑल्सो नॉन एज जनरल जनरल, ये ना जनरल जनरल ऑल्सो नॉन एज जनरल प्रॉपर। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स तो किस में जाएगा, ये जाएगा सेल बुक में, और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ये किस में जाएगा, ये जाएगा परचेज में, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है इसका आंसर क्या होगा, मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ मिटा के सबको, जो फर्स्ट है इसका आंसर क्या होगा, अब सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक तो सेल रिटर्न बुक किस में जाएगा क्रेडिट नोट ई होगा, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है कुछ और लिख दिया है, तो सेकंड का होगा हमारा क्रेडिट नोटबुक, क्रेडिट नोट। जनरल प्रॉपर इज ऑल्सो नॉन एज जनरल जनरल इज ऑल्सो नॉन एज जनरल प्रॉपर, यानी इसका होगा सेकंड का थर्ड का जनरल प्रॉपर, इन्होंने पता नहीं क्या आगे पीछे कर दिया, आप लोग देख लेना मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे यार 4-5 क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किस में जाएगा सेल बुक में, सेल बुक में, और पांचवा क्या है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इसे किस में जाएगा परचेज बुक में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सही आंसर नोट कर दिया है, यही थोड़ी बहुत गलतियां होती है इस बुक में, इसकी वजह से बच्चे इसको करना नहीं चाहते। अब देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 14, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ गौरव एंड पोस्ट देम इन टू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, इन सब की आपको जनरल एंट्री बनानी है और फिर उसको लेजर में पोस्ट करना है, फिर आपको ट्रायल बनाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन करेंगे तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, अगर एक एक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो। अब बोलोगे सर आप बड़े क्वेश्चन तो करा नहीं रहे छोटे करा रहे, भाई मेरे ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पीछे कई बार करा चुका हूँ, ठीक है ना, तो एक एक घंटे की वीडियो उसमें करा चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको सिंपल जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री में सिखा चुका हूँ, फिर इसको लेजर प्रिपेयर करना है, लेजर भी कैसे बनाते हैं 2 तरीके से भी सिखा चुका हूँ, और फिर इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस भी आपको मैं 3 तरीके से सिखा चुका हूँ, तो सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको क्वेश्चन का आप खुद करना। हाँ इसमें से अगर कोई बेसिक कोई एक एंट्री 2 एंट्री आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना, अगर आपने जनरल एंट्री सही की है तो आप लेजर बिल्कुल सही बनाओगे और ट्रायल बैलेंस भी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है ना। पूछना कैसे, तो उसके लिए लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो, वहां पे जो भी डाउट है उससे पूछ सकते हो, वहां पे और भी बच्चे हैं वो अगर आंसर दे देंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो प्लीज आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, ये सारे क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री बनानी है सबकी, फिर लेजर बनाने और सब, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में क्या करना है पोस्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, आपको बोला हुआ कि आप लेजर बनाओ और फिर उनको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करो, जनरल करो लेजर करो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दो, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें यहाँ पे ठीक है जनरल एंट्री बनानी है, तो देखो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जनरल एंट्री कर सकते हो, इसलिए वहाँ पे छोड़ रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन 16 में थोड़ी सी मुझे कुछ समझाना है आप लोगों को, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट देम इनटू लेजर ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे एक लाइन बोला हुआ है ध्यान से देखना, ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस,
यानी ये जो है क्वेश्चन क्या है, आपको पहले सब्सिडरी बुक्स बनानी है, सब्सिडरी बुक्स के बाद लेजर बनाना है, और लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। मैंने आप लोगों को सब्सिडरी बुक्स पढ़ा रखा है, सब्सिडरी बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ये पढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने एक चीज आपको समझाया था, जब मैं आप लोगों को ये सिखा रहा था लास्ट से लास्ट लेक्चर, यानी ये हमारा 16 है ना, लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको जब सब्सिडरी बुक से पोस्ट करना सिखाया था लेजर में, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझ रहे थे आप, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि एक्सपेंस अकाउंट, रेंट अकाउंट, इन सब के, या परचेज अकाउंट है ना, इन सब का जो बैलेंस सीडी आता है उसको हम बाई बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं, उसको हम बाई बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं, उसको हम रिस्पेक्टिवली कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आप सेल्स अकाउंट बनाओगे तो सेल अकाउंट इस साइड आप जितने भी एंट्री कर दो, और यहाँ पे क्रेडिट साइड डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी ना लिख के क्या लिखोगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। अगर आप रेंट अकाउंट बनाओगे तो रेंट अकाउंट जितनी भी डेबिट साइड एंट्री हो गई लास्ट में आप इसको बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखते हुए क्या लिखोगे, सीधा बाय पीएनएल अकाउंट, और सीधा सीधा उसको ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। ये मैंने कहा था और इसको मैंने समझाया था क्लोजिंग एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि नहीं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। वहां मैंने आपको समझाया था जब जिस केस में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना था, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यही सेम यहां तक होता और ये नहीं लिखा होता कि आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं करना है, तो आप यही करते जो मैंने आपको पहले सिखाया, इन सारी चीजों को ट्रांसफर कर देते ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड, किसको, सिर्फ जो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का ट्रांसफर नहीं होता, उनका सीडी आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, यानी जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको ट्रांसफर नहीं करते, हम उसको सीडी ही रखते हैं। यानी देखो ये परचेज अकाउंट है, सॉरी ये परचेज बुक है, अब परचेज बुक से इन्होंने परचेज अकाउंट बनाया होगा, मैं आपको दिखाया था, ये देखो इन्होंने क्या किया, परचेज अकाउंट बनाया है। परचेज अकाउंट में टोटल एंट्री देखो, पोस्टिंग करना मैंने आपको सिखा रखा है, देखो क्या लिखा है, सनरी एज पर परचेज बुक कितना, टोटल 12,950 रुपए, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे लिखा बाई बैलेंस सीडी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये जो आया है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए था, वो सही है ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस, तो इसलिए हमें बाई बैलेंस सीडी करना पड़ेगा। यानी जब कंपनी को पीरियोडिकली ट्रायल बैलेंस बना के चेक करना होता है, जब कंपनी को, सुन लो मेरी बात, जब कंपनी को पीरियोडिकली ट्रायल बैलेंस बना के एक्यूरेसी को चेक करना होता है तो फिर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको पीरियोडिकली नहीं, जब एनुअली बनता साल के एंड में, उसको ट्रायल बैलेंस बना के चेक नहीं करना होता है, यानी उसको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना होता है, वो हर पीरियड बना बना के चेक कर चुकी है, अब लास्ट में उसको समराइज करना है, तो डायरेक्ट वो ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, पीएनएल या ट्रेडिंग में। तो यही रीजन है कि कहीं सीडी लिख के देता है और कहीं ट्रांसफर कर देता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझ जाना, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम में पूछ लो या कमेंट में पूछ लो। सेम बजट सेल्स का है, देखो सेल में टोटल कितना एंट्री हुई है, टोटल एंट्री हुआ यहाँ पे 13,875 रुपए का, और इन्होंने क्या किया, देखो टू बैलेंस सीडी लिखा, लेकिन मैंने यहाँ कहा था टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने टू सीडी क्यों लिखा, क्योंकि इनको ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, सिंपली आप सब्सिडरी बुक्स बनाओ, आपको बनाना आता है सिखा चुका हूँ, फिर उसको ट्रांसफर करो, ये भी आपको आता है, फिर आप ट्रायल बैलेंस बना लो। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता ही है, जो उसका सीडी होता है, मान लो कि सिर्फ फर्नीचर है, फर्नीचर का कितना सीडी है, 1200 रुपए, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फर्नीचर क्या होता है, एसेट, एसेट है तो डेबिट साइड, तो यानी हम फर्नीचर को क्या कर देंगे, 1200 रुपए ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे, यानी क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, देखो लिखा टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्या लिखा, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज लार्जर बुट एंड सो रिपेयरिंग फ्रॉम 31st December 2013 इज 1,66,590, 1,66,590 रुपए ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। एंड द क्रेडिट साइड इज कितना, 42,470 रुपए,
आफ्टर सेवरल चेकिंग, अब जब हमने चेक किया तो क्या हमें निकल के आया, ये सारी गलतियां हमें निकल के आई। और आपको बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है कि सर आपको असर्टेन करेक्ट ट्रायल बैलेंस, आपको सही सही ट्रायल बैलेंस बना देना है। तो अब देखो हुआ क्या है, आप ट्रायल बैलेंस जब बनाना स्टार्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, जो बैलेंस दिया हुआ है, कहने का मतलब समझो इधर मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 10 रुपए है और यहाँ पे 5 रुपए, ऐसा कुछ भी बता रहा हूं मैं, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ये बैलेंस हमारा है लेकिन गलत है, लेकिन इतना दिया इतना है, अब इसको सही करना है, तो क्या करोगे, इसमें कुछ प्लस करोगे, इसमें कुछ माइनस करोगे, लास्ट में इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसमें ये 10 क्यों आए, इसमें कुछ तो गलतियां होंगी ना, तो जो गलतियां होंगी उसको एलिमिनेट करने के लिए प्लस या माइनस करोगे, और इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां उसको भी एलिमिनेट करके प्लस या माइनस करोगे, और फिर आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी बैलेंस इतना हमारे पास जो गलत वाला आंसर दिया हुआ है, तो जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ये जो दिया था इसको आप लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या लिखा हो, कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में जो करेक्ट फिगर होना चाहिए था वो 14,900 होना चाहिए था, लेकिन जो हमने लिखा है वो कितना 14,800 रुपए लिखा है, यानी 14,900 रुपए लिखना चाहिए था, आपने 14,800 रुपए लिखा था, क्या हुआ 200 रुपए से आपने कम लिखा है। अब ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, डेबिट साइड, इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 200 रुपए से कम है, 14,900 है ना, 100 रुपए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 100 रुपीज क्या है, कम है, आपको 14,900 लिखने चाहिए थे, आपने लिखे 14,800, तो 100 रुपए कम लिखे है ना, तो सिंपल सी बात है, अब किस साइड लिखे कम, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड जाता है क्योंकि एसेट है, तो आपने डेबिट साइड 100 रुपए कम लिखा है, तो क्या करोगे, सिंपली डेबिट साइड आप 100 रुपए प्लस कर दोगे, बढ़ा दोगे, और क्या करना है। उसके बाद क्या बोला है, रिपेयर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, लाइबिलिटी, ध्यान रखना, और लाइबिलिटी ज्यादा है क्रेडिट साइड। अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या है, करेक्ट फिगर कितना है 61,780, ठीक है, और हमने लिखा कितना है 61,780, सही बात है, जितना लिखना चाहिए था उतना ही लिखा है, तो अब क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि अपीयर इन डेबिट साइड, हमने उसको लिख दिया है डेबिट साइड, लिखना चाहिए था किस साइड, क्रेडिट साइड, और उसको लिख दिया है किस साइड, डेबिट साइड, तो अब हम क्या करें, तो सर हम काम करते हैं ना, उसको डेबिट साइड हमने लिख दिया है, देखो ये जो है आपने, ये डेबिट कॉलम है, सॉरी ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है, आपने यहां लिख दिया 61,780 रुपये, लिखना यहां चाहिए था, ये आपने कर दिया है, तो एक काम करो सर, इसको यहां से हटा दो और यहां पे लिख दो, सिंपल सी बात है, तो अगर क्रेडिट में लिखूंगा तो ये प्लस होगा, और यहां से हटाने के लिए क्या करूंगा पड़ेगा, यहां से मुझे माइनस करना पड़ेगा, हाँ सर माइनस करना पड़ेगा, देखो वही क्या, यहां से हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जिस साइड से मेरे को हटाना उस साइड मैंने माइनस कर दिया, और जिस साइड मेरे को शो करना उस साइड मैंने प्लस कर दिया, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या लिखा है, रेंट एंड टैक्सेस 21,460 में लिखना चाहिए था और 2,400 मैंने लिख दिया, यानी कितने का डिफरेंस है, 240 रुपए का क्या है डिफरेंस है। अब किस साइड डिफरेंस है, तो सर रेंट एंड टैक्स से डेबिट साइड जाता है, तो डेबिट साइड 2,400 लिखने के बजाय इतना लिख दिया, यानी डेबिट साइड कम लिख दिया ना, डेबिट साइड, अच्छा नहीं ज्यादा लिख दिया, डेबिट साइड मैंने क्या कर दिया, ज्यादा लिख दिया, 2,160 लिखना चाहिए था और 2,400 मैंने लिख दिया, यानी 240 रुपए डेबिट साइड मैंने ज्यादा एंट्री कर दी है, तो क्या करो भाई, डेबिट साइड में 240 रुपए माइनस कर दो, कम कर दो, ज्यादा हो गया है तो वही तो उन्होंने किया, कम कर दिया है। इसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर किससे जाता है, लाइबिलिटी से जाता है, ये बात याद रखना, करेक्ट फिगर क्या था 6,070 और लिखा मैंने कितना, लिखा मैंने 5,900 लिखना था और 5,900 लिख दिया, कितने का डिफरेंस है, 170 रुपए का। अब क्या करेंगे सर, यानी क्रेडिट साइड मेरे को 6,000 लिखना था, लिखने दिया मैंने 5,900, यानी मैंने कम लिख दिया, तो क्रेडिट साइड जितना कम उतना और लिख दो, बढ़ा दो, प्लस कर दो, तो 170 रुपए देखो क्रेडिट साइड उन्होंने प्लस कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट है सन्ड्री डेटर 8,060, यानी 8,060 हमें लिखना चाहिए था, लेकिन लिख कितना दिया मैंने, ज्यादा लिख दिया, कितना 8,310, यानी कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस टोटल 250 रुपए का है। अब 250 रुपए किस से डिफरेंस है, डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या है, कम है या ज्यादा है, सर ज्यादा है, क्योंकि आपको 8,060 लिखना चाहिए था, 8,310 आपने लिख दिया, ज्यादा लिख दिया है, तो सर डेबिट साइड 250 रुपए से कम कर दो, और ये देखो दोनों को आप क्या कर दो, इन सबको
जो प्लस में उसको प्लस कर दो, जो माइनस में माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इधर जो प्लस में प्लस कर दो, जो माइनस में माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसे कहते हैं रीड्राफ्टिंग ऑन ट्रायल बैलेंस। ये भी बोल देते हैं कभी कभी कि ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करो, गलत हो गया है, या एरर को ठीक करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है वैसे समझने लायक है, तो ये भी हमने कर लिया। हमें क्या करना है, हमें सारी चीजें क्लियर करनी है आज ही। उसके बाद बोला गया है कि आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन पर्सनल अकाउंट ऑफ रमन, यानी एक रमन का अकाउंट बनाओ और ये सारी ट्रांजेक्शन उसमें क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। सोल्ड गुड्स टू रमन किस साइड जाएगा सर, डेबिट साइड जाएगा रमन अकाउंट में। रिसीव फ्रॉम रमन ये क्रेडिट साइड जाएगा रमन अकाउंट में। अलाउड हिम डिस्काउंट ये क्रेडिट साइड जाएगा। रमन बाउट गुड्स, रमन हम सामान खरीदा, फिर डेबिट साइड जाएगा। सीधी सी बात है, अगर रमन हमारा क्या है, रमन को हमने सेल किया था, रमन हमारा डेटर है और डेटर हमारा एसेट होता है, तो अगर डेटर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है, सेल किया इंक्रीज होगा डेबिट साइड, पैसा रिसीव किया डेटर डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड, पैसा इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। मैं कैश अकाउंट थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो रमन अकाउंट बना रहा हूं। रमन यानी डेटर तो डिक्रीज होगा ना, तो क्रेडिट साइड हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी उसको हमने 100 रुपीज का सामान सेल किया था, कहा कि चल भाई 10 रुपए का डिस्काउंट तुझे 90 देना है। डेटर कम कर रहे हैं ना, उसको 10 का डिस्काउंट दे, उसके लिए फायदा है, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। अब बोलोगे सर एक्सपेंस कौन सा क्रेडिट साइड जाता है, रमन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और अलाउड अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। हमने उसको 270 का डिस्काउंट दिया, यानी डेटर क्या हो जाएगा डिक्रीज, यानी 270 रुपए हमें नहीं देगा वो। तो किस साइड हम एंट्री करेंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड 270 रुपए क्रेडिट साइड। रमन ने फिर से हमें सामान खरीदा, डेबिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, डेटर इंक्रीज हो जाएगा। रिसीव किया हमने क्रेडिट साइड, बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ बीडी। अब ये क्या हो गया, देखो 2 महीने का बनाना हमें। अब जो सीडी आएगा अगली बार क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे टू बैलेंस बीडी से शुरू हो जाएगा। उसका सोल्ड किया, फिर से हमने 10,000 का डेबिट साइड, फिर रिसीव किया क्रेडिट साइड, फिर डिस्काउंट दिया क्रेडिट साइड, और फिर हमने क्या किया, रिसीव कर लिया फुल सेटलमेंट में। यानी अब जो लास्ट में जो सीडी निकालेंगे, देखना उसे 9,800 से अगर ज्यादा आ रहा है तो डिस्काउंट देकर हमने सेटलमेंट कर लिया, और उससे कम आ रहा है तो हमने क्या किया, उससे कम आ रहा तो हो ही नहीं सकता वैसे, तो ज्यादा ही होगा या उसके बराबर ही होगा। ठीक है, कम आएगा तो हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी तुम्हें डेटर ज्यादा पैसा नहीं देगा। देखो यहाँ बनाया तो है यार, ये देखो ना क्या दिक्कत, ये देखो टोटल यहाँ पे, इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना है, 11,400 और यह 11,400 रुपये। ये जो पैसा आया है डेबिट साइड, और जो उन्होंने पेमेंट किया डिस्काउंट दिया सब क्रेडिट साइड। तो लास्ट में सीडी कितना आया, 4,000। तो ये जो सीडी है, ये जो सीडी है देखो मंथली बनाया इन्होंने, ये सितंबर महीने का या अक्टूबर महीने का। ये जो सीडी है ये क्या आएगा यहाँ पे, अगले महीने बीडी हो जाएगा 4,000 का। फिर से हमने बेच दिया सामान, तो कितना होगा टोटल, 14,000 रुपये हो गया। ये हमने उससे कुछ पैसा रिसीव कर लिया, कुछ डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो अब देखो टोटल हमारे पास कितना था नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में टोटल था 14,000 रुपये का, जिसमें से उसने 3,960 हमें दे दिया था, 40 रुपये का डिस्काउंट भी हमने उसको दे दिया था। तो टोटल कितना आएगा, 4,000, यानी कितना बचा, 10,000 रुपये अभी भी ड्यू था। यही हुआ ना, 14,000 रुपये हो रहा है ना, जिसमें से ये और ये हमें मिल चुका है, तो 10,000 का ड्यू है। उसने हमें डिस्काउंट पैसा कितना दिया, सिर्फ 9,800 दिया है, और क्या कर लिया, फुल सेटलमेंट। तो 200 का डिस्काउंट अलाउड और कर दिया हमने। ठीक है, तो एंट्री क्या बनाओगे इसका, लास्ट वाले का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपये, टू रमन अकाउंट कितना, 10,000 रुपये, है ना। तो रमन अकाउंट में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड 10,000 रुपये जाएगा, लेकिन नाम किसका होगा, कैश का, डिस्काउंट अलाउड का। तो देखो कैश कितना है 9,800 और डिस्काउंट अलाउड कितना है 200 रुपये, और ये हमारा टोटल आ गया। अब सर बैलेंसिंग ओके, सीडी क्यों नहीं आया, क्योंकि सीडी इसलिए नहीं आया क्योंकि टोटल सेटलमेंट हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन। अब आता है क्या कि सर एक्सरसाइज, जर्नलाइज द फॉलोइंग, क्या जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, भी बताना पड़ेगा। हाँ सर कर सकते हैं, इसका भी जर्नल एंट्री करना आप खुद ही कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको भी आपको जर्नल एंट्री बनाना है, जर्नल एंट्री आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको लेजर बनाने हैं, यानी पहले जर्नल एंट्री बनाओ फिर उसका लेजर बना लो, आप खुद ही बना सकते हो। प्रिपेयर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन सब का हमें क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, लेजर अकाउंट बनाते समय इन सब अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री अकाउंट, इन सब के अकाउंट में, इन्वेंट्री अकाउंट तो आप बनाओगे नहीं, इन सब के अकाउंट में बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। यानी जब आप कैश अकाउंट बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी,
टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है 8000 रुपीज, इसको आप एंट्री करोगे। उसके बाद जो आपको एंट्री करनी होगी करोगे, कैश एट बैंक स्टार्ट करोगे तो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, कैश एट बैंक में टू बैलेंस बीडी है ना, यानी बैंक अकाउंट जब बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे टू बैलेंस बीडी कितना 25000। बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे टू बैलेंस बीडी 10000। अगर ये ट्रेड रिसीवेबल यानी विजय और माधव, माधव लिखा है विजय एंड मधु, ये दोनों हमारे क्या डेटर हैं, तो डेटर अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे टू बैलेंस बीडी विजय वाले अकाउंट में 2000 और मधु वाले अकाउंट में भी 2000, ठीक है। उसके बाद इन सब की एंट्री करोगे और उनका लेजर बना दोगे। सेम सिचुएशन वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन ऊपर एक कि आपको सब्सिडरी बुक्स बनाना है और फिर उनका लेजर बनाना है, आप कर सकते हो। क्या कह रहा है, अच्छा सिर्फ सब्सिडरी बुक्स बनाना है, सिर्फ सब्सिडरी बुक्स, कह रहा है कि प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स ऑफ सौंदर्य साड़ी शॉप, ठीक है, सौंदर्य साड़ी शॉप उसका सब्सिडरी बुक्स बनाना है। अब सर सब्सिडरी बुक्स कौन सा बनाएंगे, देखो परचेज बुक बना दो, सेल बुक बना दो, परचेज रिटर्न बुक बना दो, सेल रिटर्न बुक बना दो, ट्रेड रिसीवेबल बनो और ट्रेड पेबल बुक, ये सारी बुक मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ऑटोमेटिक जनरल प्रॉपर में, और आई थिंक परचेज रिटर्न परचेज बुक सेल बुक और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल, इन आठ के अलावा और कोई शायद ही बनेगा, आठ हो रहा है छह हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इन छह के अलावा शायद और कोई इसमें बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद कह रहा है कि सर आप कैश बुक बनाओ और फिर उसको लेजर में पोस्ट करो, आपको आता है, सिखा चुका हूं। यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बनाना है क्या, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम कैश बुक, एक कैश एंड डिस्काउंट, देखो दो कॉलम मैंने बताया था, दो कॉलम होता है इसमें, कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, इसने कैश और डिस्काउंट के लिए बोला था, अब कैश और डिस्काउंट का बना लेना, आपको आता है 28 चीजें। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ कि मैं करा चुका हूँ आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन कई बार कराए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा मुझसे पूछो, ठीक है। अब फिर से एमसीक्यू आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हमारे हैं पेज नंबर कहाँ पे, पेज नंबर 78 पे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 10 क्या है, पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम, पेटी कैश बुक मैं पढ़ा चुका हूँ और दोनों सिस्टम में बना चुका हूँ, यानी अब तक हमने 1.3 में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उन सारे टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, और 1.3 में मैंने कम से कम 5-6 लेक्चर अपलोड किए हैं, हर लेक्चर में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है हर एक टॉपिक का, सब्सिडी बुक्स पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया, कैश बुक पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया, पेटी इम्प्रेस सब पढ़ाया था मैंने आपको, जनरल लेजर हर एक चीज पढ़ा रखी, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को लीव कर रहा हूं, आप खुद करोगे, ठीक है। और अगर आपने अब तक सारी वीडियो लाइन से देखी हो तो आई होप आपने पहले से सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, क्योंकि पहले से मैंने टॉपिक करा दिया, आज सिर्फ हमें क्वेश्चंस का डिस्कशन करना था, अगली क्लास में हम डेप्रेशन स्टार्ट कर देंगे और डेप्रेशन के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे मैं खुद कराऊंगा, आपको करनी जरूरत नहीं है, और जितने भी क्या थोड़े से कमी क्वेश्चन है और उसमें जो भी प्रैक्टिकल है जो भी इलस्ट्रेशन है मैं खुद ही करा दूंगा, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। देखो जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये सब पहले के इजी चैप्टर्स हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं उतना ध्यान इस पे आपको इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद कर पाओगे, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक्स ये सब तो आपको आता है, ठीक है, तो इसलिए आप खुद करना इसको। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, एक्सपेंस वाला लॉस वाला है ना, प्रॉफिट एंड गेन लॉस एंड एक्सपेंस, नॉन नहीं बोथ ए एंड बी, ठीक है ये वाला होगा। एसबीआई अकाउंट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, आपको पता ही है, कोई सा भी पर्सनल अकाउंट होता है जो पर्सनल का कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसको यार, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, रियल में 3 अकाउंट होता है, एक होता है नेचुरल इंडिविजुअल पर्सनल होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल होता है यानी नेचुरल पर्सनल होता है, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का अकाउंट जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नॉन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किसको बोला जाता है, कोई बता सकता है क्या कमेंट करके, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है जनरल को। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री किसको बोलते हैं, वो भी जनरल को ही बोलते हैं। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री किसको बोलते हैं, लेजर को, ठीक है, लिख देता हूँ, देखो पढ़ा चुका हूँ मैं फिर भी लिख देता हूँ, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये दोनों किसको बोलते हैं हम, जनरल को। बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ प्रिंसिपल, किंग ऑफ ऑल बुक, ये सब किसको बोलते हैं, लेजर को, ठीक है ना। तो इसका जनरल आंसर होगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट क्या हमारे लिए, प्रीपेड रेंट एडवांस हमने रेंट दिया, हमारे लिए क्या है बताओ,
तो फिर तो इसमें तो एक टेंजिबल एसेट अकाउंट दिया, क्या ये लिख दो क्या? प्रीपेड रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, किसी भी एक्सपेंस का जो हमारा किसी भी तरह का एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारे किसमें आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। पढ़ाया था ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। उसके बाद क्या लिखा है, इन इन अकाउंट इज डेबिट अगर ग्रेटर देन ए क्रेडिट से, तो क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। सीधी सी बात है, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस है तो क्या आएगा? नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कुछ नहीं, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस नहीं बोला जाता, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस। और सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, हमने राम को सेल किया गुड्स में, तो राम पे नाम मत देखना, राम से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या पूछा है, डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट होगा? कैश अकाउंट में डेबिट होगा। सर राम लिखा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल होगा ना? नहीं, कैश में बेचा है तो राम से कोई मतलब नहीं है, कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट में डेबिट साइड और सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अ विड्रॉल ऑफ कैश फॉर बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी, क्या लिखा है? अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने पैसा निकाला बिजनेस से, शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट कहाँ होगा? तो सर क्रेडिट कहाँ होगा, क्रेडिट कहाँ होगा? ड्रॉइंग में, बताओ जरा कहाँ क्रेडिट होगा? ड्रॉइंग में होगा, कैपिटल में होगा, कहाँ होगा? सर क्रेडिट तो कैश में ही होगा, चाहे देखो वो पैसा निकालेगा तो एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगा ना। तो क्रेडिट किस में होगा? कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में। ठीक है, रेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, सबको पता है रियल, सॉरी नॉमिनल है। लेजर कंटेन वेरियस क्या अकाउंट, पहले दिन जब लेक्चर नंबर कौन सा था हमारा, जब लेजर स्टार्ट किया था हमने 13 या 14, जिसमें लेजर का मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था, क्या बोला था? लेजर इज अकाउंट, साफ लिखा हमारी बुक में, पढ़ लो 40 पे, पेज नंबर आई थिंक 45 या 46 में स्टार्ट है लेजर, वहां देख लो पहले लाइन में लिखा लेजर इज अकाउंट। लेजर एक तरह से अकाउंट है, यानी मैंने बताया था कि लेजर में सारे अकाउंट कवर होते हैं। अगर अगर कोई बोला है कि प्रिपेयर लेजर, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जितने लेजर बन सकते, चाहे कैश अकाउंट चाहे बैंक अकाउंट, सबको बनाने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंट्री फ्रॉम वन डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड क्या? पोस्टिंग इंटू लेजर या पोस्टिंग इंटू जनरल? सर पोस्टिंग इंटू लेजर, लेजर पोस्टिंग, यानी अगर बुक से हम लेजर में पोस्ट करें तो क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग कहते हैं, सिंपल सी बात है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया, कहाँ क्रेडिट होगा? तो सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट कहाँ हो रहा है? कैश अकाउंट में हो रहा है, या बैंक होता तो बैंक अकाउंट में होता है, फिलहाल यहाँ पे कैश है तो कैश में। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? किसी को पता है क्या? बैलेंस शीट तो रिप्रेजेंट करता है, पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? अकाउंटिंग इक्वेशन सब पढ़ा चुका हूँ, ये आएगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही होता है, इस साइड सारे क्या होते हैं, ऑनर्स इक्विटी प्लस अदर लाइबिलिटी इक्वल टू इस साइड का टोटल एसेट, यानी लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होता है। लाइबिलिटी में दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक ऑनर्स की लाइबिलिटी और एक अदर लाइबिलिटी, इन दोनों को जोड़ोगे तो एसेट के बराबर आएगा, ये बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होता है। तो बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट, कोई बैड डेब्ट हो गया तो उसको राइट ऑफ कर दिया, रिकवर हो गया था हमारे लिए क्या है? क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ये तो नहीं होगा, नॉन भी नहीं होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। अगर हमारा बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है उसकी एंट्री क्या बनेगी, बना के दिखा लो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, कैश आया तो इंक्रीज डेबिट साइड और बैड डेब्ट रिकवर हमारे लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड, यानी फर्स्ट इसका ए सही होगा। और ट्रायल बैलेंस विल नॉट, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, कह रहा है कि बैलेंस नहीं होगा, करेक्ट एंट्री पास ट्वाइस, अगर दो एंट्री आपने करेक्ट एक सही एंट्री है उसको दो बार पास कर दी तो क्या ट्रायल बैलेंस वो नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा? देखो एग्जांपल दिखाया था, सपोज कि हमने परचेज किया है, ठीक है, और हमने उसको उधार में परचेज किया है, तो क्या करेंगे? 10,000 यहां भी लिख दो और 10,000 यहां भी लिख दो, कैसे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम हमारा क्रेडिटर, यहाँ पे कैश और परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारा आ गया 10,000, और फिर एक बार और मैंने एंट्री वही वाली पास कर दी तो क्या टैली नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये पहला आंसर तो इसका नहीं है। तो परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश, हमने परचेज तो किया था क्रेडिट में लेकिन एंट्री उसकी हमने कर दी कैश परचेज की, यानी एंट्री हमने ये बना दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या इसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा? कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा सर, क्यों? सुन देखो परचेज, अच्छा आपने क्रेडिट में परचेज करते तो एंट्री क्या बनती, पहले वो देखो समझो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट,
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट ये क्रेडिट परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये कैश परचेज की, आपने इसके जगह ये वाली एंट्री कर दी है। तो परचेज तो यहाँ भी डेबिट था, परचेज यहाँ भी डेबिट था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बात आती है लाइबिलिटी की, यहाँ पे सर आपका लाइबिलिटी कम हो रहा था, यहाँ पे एसेट कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस इधर देखो, यहाँ पे मैं या तो क्रेडिट में 10 रुपये कम कर दूँ या मैं सॉरी क्रेडिट क्या कर दूँ, अगर मैं क्रेडिट वाली एंट्री करता तो मेरा क्या होता, लाइबिलिटी इंक्रीज करता, और मैंने अगर कैश में एंट्री कर दी तो एसेट मेरा डिक्रीज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, या तो आप क्रेडिटर को बढ़ा दो, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दो, कैश को डिक्रीज कर दो, इफेक्ट तो सेम आएगा ना। यहाँ भी 200 रुपये है, यहाँ भी 200 रुपये, यहाँ अगर मैं 10 रुपये लिखूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ 10 रुपये कम कर दूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखूँ तो भी डिफरेंस कितने का आएगा, 210 का ही आएगा। समझो मेरी बात, एक साइड को मैं इंक्रीज कर दूँ या दूसरी साइड को डिक्रीज कर दूँ, मेरा डिफरेंस उतना ही आएगा। आप एसेट को बढ़ा दो या लाइबिलिटी को कम कर दो, सॉरी लाइबिलिटी को बढ़ा दो या एसेट को कम कर दो, आपका डिफरेंस उतना ही आएगा। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंस की वजह से ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो लास्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, ट्रायल बैलेंस शोन, क्या ऑनेस्टी अकाउंट आने, ऑनेस्टी कहाँ आज की डेट में हटाओ, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट हाँ ये ठीक है, अर्थमेटिकल हाँ ये ठीक है, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी नहीं, अर्थमेटिकल, थोड़ा मोड़ा एरर जो मैथमेटिकली टोटल डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो मैथमेटिकली अर्थमेटिकली मैथमेटिकली बोलो अर्थमेटिकली बोलो, एक्यूरेसी ठीक हो जाता ट्रायल बैलेंस का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद ये सारी चीजें आप खुद इसको रीड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इंटरेस्ट हो सकता है डेबिट और क्रेडिट, इंटरेस्ट मिलेगा तो डेबिट और मिले और पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्रेडिट, और इंटरेस्ट अलाउड होगा तो डेबिट, तो दोनों हो सकता है, सही बात है। ओपनिंग एंट्री या जनरली पास थ्रू जनरल प्रॉपर, क्योंकि ओपनिंग एंट्री का कोई बुक होता नहीं इसलिए जनरल प्रॉपर में उसकी एंट्री करनी पड़ती है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट सबको पता है, डेबिट बैलेंस ऑफ इन नॉमिनल अकाउंट इन शोन, भाई डेबिट बैलेंस है वो भी किस में, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या एक्सपेंडिचर ही तो है वो या एक्सपेंस है। द अलाउंस मेड प्रमोट पेमेंट इज कॉल्ड, हमने भाई पेमेंट को प्रमोट करने के लिए यानी पैसा जल्दी रिकवर के लिए हमने अलाउंस दिया था, क्या वो कैश डिस्काउंट है। हम क्या बोलते हैं भाई, उधार में लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर अभी पेमेंट करते तो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, वो भी कैश डिस्काउंट, यानी क्या कर रहे हैं, पेमेंट को प्रमोट करने के लिए जो अलाउंस दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज डेबिट, देखो किसी भी लेजर का दो दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, लेफ्ट वाले को डेबिट साइड और राइट वाले को क्रेडिट साइड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है इन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट इफ द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड, किसका डेबिट साइड ऑफ गुड्स, अच्छा गुड्स अकाउंट का, यानी स्टॉक अकाउंट है उसका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा सर, कैसे ओपनिंग बैलेंस नहीं आ सकता यार, ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा, आपने जो गुड्स परचेज किया उसका डेबिट साइड इतना सारा है, डेबिट साइड परचेज किया आपने 10 लाख रुपए का, क्रेडिट साइड सिर्फ 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो बचेगा, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड कितना कम है, 2 लाख रुपए, तो क्लोजिंग बैलेंस को शो करेगा वो। इसके बाद क्या, द बैलेंस ऑफ अकाउंट, द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस शो होते हैं, तो एसेट और एक्सपेंस डेबिट साइड जाते हैं, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल किससे जाते हैं, क्रेडिट साइड जाता है, आपको पता ही है। इक्वल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड डैश डज नॉट मीन डैश, इक्वल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड किसका, ट्रायल बैलेंस का, डज नॉट मीन दैट इंडिविजुअल अकाउंट्स आर ऑल्सो एक्यूरेट, सही बात है, यहाँ तो ट्रायल बैलेंस आएगा, कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाए इसका मतलब नहीं कि सब कुछ सही है, सही बात है। फिर इन द ब्लैंक्स था वहां पर क्या आता, ट्रायल बैलेंस ही आता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोन डैश ऑफ टोटल अकाउंट, बैलेंसेस ऑफ टोटल अकाउंट, डैश लिस्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट, ट्रायल बैलेंस लिस्ट द बैलेंस ऑफ टाइटल अकाउंट इन द लेजर गिवन डेटा, इन लेजर में जितने भी अकाउंट दिए हुए हैं उसका डेटा का लिस्ट कौन से शो करता है, बहुत सारे लेजर है, अब उसका जितने भी उसमें अकाउंट जिसने उसमें आंसर आया हुआ है, जितने भी लेजर में डेटा है उसका अगर लिस्ट बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, समराइजिंग में आता है, याद है। क्लोजिंग स्टॉक अपेयर इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन डैश बैलेंस शीट एसेट साइड, सीधी सी बात है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में शो होता है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, नहीं भी शो होता तो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड तो जाएगा ही जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में शो होता है नहीं शो होता उसको एडजस्टमेंट ऑफ परचेज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट विल बी शोन इन डैश ऑफ ट्रायल बैलेंस, कह रहा है कि लाइबिलिटी अकाउंट है
बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा भाई, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल ये सब क्रेडिट साइड ही जाता है। लिखा है यहाँ पे राम हैज एन एसेट कितना 20,000 का, लाइबिलिटी कितना 4,000 का, तो एसेट है 20,000 रुपए का, लाइबिलिटी है 4,000 रुपए का, तो कैपिटल कितना आएगा 16,000, ट्रू है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, नहीं है, गलत है। डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से तो एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन ये वाला बिल्कुल निहायत ही गलत है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ठीक है, हमेशा याद रखना डेप्रिसिएशन एक तरह से एक्सपेंस होता है। अरे फ्री में थोड़ी खत्म हो रहा है, यूज तो कर रहे हो आप। डेप्रिसिएशन मशीन हमने बंद करके रखी, एकदम पैक करके रखी हुई मशीन, हमने कहीं खड़ी हुई है मशीन, तो क्या उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा? शोरूम में मशीन रखी हुई है, क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, आप यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सर रखे रखे डिक्रीज हो जाए तो भी आपने यूज नहीं किया, गलती आपकी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही होता है एज पर डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो एक्सपेंस ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ये गलती है, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, या फिर डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लिखा तब ट्रू होगा। उसके बाद डबल अकाउंटिंग सिस्टम, लुका पासवे ने दिया था, सही बात है। प्रॉफिट और लॉस नो इफेक्ट ऑफ नेटवर्क, नहीं, यहाँ पे नेटवर्थ है, ठीक है, नेटवर्थ, बस टी और एच का जगह के लग गया है, नेटवर्क मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता, क्यों? नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए, मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, मेरा नेटवर्क मॉडल बहुत अच्छा है, मतलब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन अहमदाबाद दिल्ली मुंबई हर जगह मेरा नेटवर्क फैला हुआ था, मेरे से कस्टमर कितने कनेक्ट हुए हैं उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस और नेटवर्क से कोई रिलेशन ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन अगर देखा जाए तो नेटवर्थ से हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क नहीं नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ द बिजनेस, आपकी वैल्यू की नेट, आपकी बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, नेट वैल्यू कितनी है। अच्छा सर नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है, ये नेटवर्थ की फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? नेटवर्क की जगह नेटवर्थ मान के हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? नेटवर्क नहीं नेटवर्थ हम मानते हैं। प्रॉफिट और लॉस हैव नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ, नहीं भैया बिल्कुल इफेक्ट होता है, कैसे इफेक्ट नहीं होता? प्रॉफिट एंड लॉस का नेटवर्थ पे सीधा सीधा इफेक्ट होता है। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो नेटवर्थ भी इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ द बिजनेस इंक्रीज होगी। अगर आपके पास लॉस होगा तो आपकी वैल्यू ऑफ द बिजनेस डिक्रीज होगी, नेटवर्थ भी डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेटवर्थ पे इफेक्ट होता है, तो ये क्या दिया? फॉल्स दिया, सही बात है, इफेक्ट होता है। अगर बोलता है इफेक्ट होता है तो ट्रू होता है, समझो मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस का नेटवर्थ पे इफेक्ट होता है, इसने कह रहा है कि नो इफेक्ट, इफेक्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स है। कैपिटल अकाउंट इज रियल अकाउंट, नहीं भाई कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट कहां से, ना तो रियल है ना तो नॉमिनल है, ये क्या पर्सनल है, तो ये भी फॉल्स है, सही बात है। ट्रायल बैलेंस इज फाइनल अकाउंट, नहीं, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट में काउंट नहीं किया जाता है। फाइनल अकाउंट में तीन ही चीज आती है, कौन कौन सा? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। हाँ, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस आता है, देखो मैं समराइजिंग बोल रहा था, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस आता है, समरी में ट्रायल बैलेंस को शामिल किया गया है, लेकिन फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस को शामिल नहीं किया गया, तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ फाइनल अकाउंट, तो ये भी गलत है, सही बात है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ओनली पर्सनल एंड रियल, नहीं, ट्रायल बैलेंस में रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों का काउंट किया जाता है, ये भी फॉल्स है। ट्रायल बैलेंस में रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों का बैलेंस शो होता है, इसमें बोला है सिर्फ पर्सनल और रियल, इसलिए ये फॉल्स है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हाँ ये सही है, पहले जनरल बनता है फिर लेजर बनता है फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, तो कह रहा है कि लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, हमने कहा सही है। जर्नल इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, नहीं, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री लेजर को बोलते हैं, अभी मैंने पीछे ही समझाया था, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद क्या हमारे पास? ट्रेड डिस्काउंट विल बी एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती ही नहीं है, कहां से बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दो, गलत है ये भी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में सारी चीजें आ गया हो, और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, और फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन है
लेक्चर नंबर कितनी बार समझा चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, लेक्चर नंबर 17 यानी अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे सेशन, सब कुछ करेंगे एक एक करके, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब थोड़ा सा मैच दी फॉलोइंग देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि साथ सैलरी अकाउंट क्या आएगा, सैलरी अकाउंट रियल पर्सनल किधर गया, नॉमिनल, नॉमिनल में जाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग किसमें, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट तो है नहीं, ड्रॉइंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर किसमें जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव आपने एडवांस किया है ये किसमें जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कोई भी इनकम अपने एडवांस में रिसीव किया है या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सब किसमें आता है, रिप्रेजेंटेटिव में। और ये मॉडर्न एकेडमी, मॉडर्न एकेडमी का अकाउंट किसमें जाएगा, ये जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। और लो यहाँ से दिखा देता हूँ, बाकी तो आप कर ही सकते हो, इजी है। रेंट अकाउंट में क्या है, तो रेंट अकाउंट क्या हमारे लिए, रेंट किधर है, किधर है, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये हाँ दूसरा क्वेश्चन है। रेंट किसमें जाएगा, किधर, अरे रेंट किधर है, ये रहा नॉमिनल में, तो रेंट जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट किसमें जाएगा, गुडविल अकाउंट किसमें जाएगा, तो इंटेंजिबल है क्या, नहीं, गुडविल हमारा क्या है, एसेट, और एसेट किसमें जाता है, तो एसेट जाता है रियल अकाउंट में। हरीश अकाउंट, हरीश अकाउंट किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट है क्या, हरीश अकाउंट, हरीश तो जाएगा पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट तो पहले ही लगा चुका हूं मैं। ओहो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल में जाएगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल में जाएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आर्टिफिशियल में जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारा, तो बचता है हरीश अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नहीं यार, हरीश अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ये गलत दिया है। हरीश अकाउंट ए बी सी डी, डी कहाँ दिया, डी का ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में तो ये जाएगा। ई का क्या दिया, ई का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो हरीश है ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है ये वाला, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में नहीं जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में तो आउटस्टैंडिंग वगैरह एडवांस वगैरह जाता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये सही है, जो मैंने मिला दिया वो सही है। हरीश अकाउंट का ये आंसर निकल के तो इसके हिसाब से ये आता, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो मैं टिक किया वो सही है, और हरीश का पर्सनल में जाएगा, नेचुरल पर्सनल में जाएगा, इंडिविजुअल में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चंस। अब हमें क्या देखना है, डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन में अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, कितने मेथड है, सारे मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे, और फिर उस मेथड्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 8 बस खत्म, 9, 10 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, टोटल 10 इलस्ट्रेशन है, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एमसीक्यू है, और ये सारे एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भी कि नहीं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन ये हैं, यानी टोटल इसमें 10 इलस्ट्रेशन है और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है। मैं ही 12 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा आपको, एक एक सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डेप्रिसिएशन, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज इस चैनल को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि हेल्पफुल है या नहीं है, कोई दिक्कत तो भी बताना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी बताना, और अच्छी लगी तो भी बताना, शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फाउंडेशन का लेक्चर, एकदम जो कंटेंट सेल करने वाली चीज है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दी जा रही है, एकदम टॉपिक वाइज अप टू डेट स्टडी मटेरियल से, और इससे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल, इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना यार, थैंक यू सो मच।